हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का हिस्ट्री और ये है चैप्टर नंबर 2 यूरोपियन कॉलोनियलिज्म का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट यूरोपियन कॉलोनियलिज्म और खास तौर पर पूरा फोकस रहेगा अमेरिका के बारे में। जी हाँ, द 13 कॉलोनीज, या हम कह सकते हैं द 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आज हम समझेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप नए हैं तो जरूर 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 प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिलते रहेंगे। आप जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर आपके ढेर सारे पीडीएफ नोट्स और रिसोर्सेस इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं यूरोपियन कॉलोनियलिज्म की और खास तौर पर आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका की। दोस्तों, while studying the history of colonial period in America, it becomes apparent that the stronger European countries dominated the weaker countries by establishing colonies there and pushed them into subjection. यानी जब हम अमेरिका के इतिहास को खंगाल करके देखते हैं और अमेरिका के इतिहास की बात करते हैं, तो ये कहानी जरूर जहन में आनी चाहिए कि यार किस तरह से ये जो मजबूत यूरोपियन देश थे, जो विकसित और डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज थे, उन्होंने कैसे अपने स्ट्रांग होने का फायदा उठाते हुए डोमिनेशन दिखाया वीकर कंट्रीज की ओर, और किस तरह से उनको कॉलोनीज में तब्दील करते हुए सब्जेक्शन की ओर उन्हें पुश कर दिया, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया, एक्सप्लॉइट किया। द यूरोपियन माइग्रेंट्स सीज्ड द लैंड्स ऑफ द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स इन अमेरिका and at times massacred them. They destroyed the local kingdoms in Peru and Mexico. The original inhabitants were forced into slavery. यानी अत्याचार दुराचार की पूरी सीमाएं ये लांग चुके थे। एक तो ये लोग आए थे यहाँ पर माइग्रेंट्स के रूप में, और माइग्रेंट्स के रूप में आने के बाद इन्होंने जमीनों पर कब्जा किया। कई जगहों पर अमेरिका की जमीनों पर कब्जा करने के बाद मैसेकर यानी खून खराबा करते हुए कई लोगों की जानें भी यहां पर गई अमेरिकन्स की। इसके अलावा लोकल किंगडम्स को ध्वस्त करते हुए पेरू और मैक्सिको जैसी जगहों पर कब्जा किया। साथ ही साथ जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स वहां के थे, वहां के जो रहने वाले थे, उनको स्लेव बना दिया, गुलाम भी बना दिया, क्योंकि ताकतवर थे उस जमाने में, इनका दबदबा था, इसीलिए इनके सामने खड़े होकर के लड़ना काफी मुश्किल हो रहा था। पोर्चुगल एंड स्पेन वेर ऑन द फोरफ्रंट इन द कॉम्पिटिशन अमंग द यूरोपियन नेशंस टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज। पोर्चुगल ब्रॉट ब्राजील इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट अंडर देयर रूल। यानी ब्राजील जो एक मुख्य बड़ा सा देश माना जाता था, पोर्चुगल ने इसे भी अपने कब्जे में ले लिया था, और साथ ही साथ स्पेन ने मेक्सिको को कवर कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। यहां पर इन्हें क्या मिला? तो भाई यहां पर तो इन्हें खजाने मिले। देयर दे डिस्कवर्ड गोल्ड माइन, स्पेनिश कॉलोनाइजर्स ब्रॉट स्लेव्स फ्रॉम अफ्रीका टू कल्टीवेट शुगर केन एंड टोबैको इन द अमेरिकन फील्ड्स। हाउएवर वंस द स्पेनिश डिस्कवर्ड द माइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन पेरू, मेक्सिको एंड वेनेजुएला, दे कॉन्सेंट्रेटेड मोर ऑन माइनिंग द प्रेशियस मेटल्स। जी हाँ, यानी लाए तो थे ये शुगर केन और टोबैको की खेती करने के लिए गुलामों को, लेकिन यहाँ पर जैसे ही उन्हें सोने की खदानें, चांदी की खदानें मिली, तो पेरू, मेक्सिको और वेनेजुएला के अंदर इन्होंने पूरा अपना ध्यान जो था वो माइनिंग ऑफ दीज प्रेशियस मेटल्स पर केंद्रित कर दिया। ये 13 कॉलोनीज का एक मैप है जबरदस्त सा। इन 13 कॉलोनीज की लड़ाई को आज तक याद रखा जाता है, जिस बहादुरी से ये लड़े और जिस तरह से इन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ा और आजादी प्राप्त की, वो एक अपने आप में मिसाल है। दोस्तों, धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और यहां पर स्पेन, पोर्चुगल जो अब अमेरिकन कोस्टलाइन को कैप्चर करने लगे हैं, इंग्लैंड भी इस रेश में शामिल हो गया है। दे एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द एंटायर कोस्टलाइन ऑफ साउथ अमेरिका। द कोस्टल रीजन फ्रॉम फ्लोरिडा टू कैलिफोर्निया वॉज हेल्ड बाय द स्पेनिश। हियर दे एंगेज द नेटिव अमेरिकन एंड द अफ्रीकन स्लेव्स इन फार्मिंग। यानी कहीं ना कहीं फार्मिंग करवा रहे थे गुलामों से, कहीं माइनिंग करा रहे थे अपने फायदे के लिए, हर चीज इन्होंने इन गरीब देशों से करवाई है। फार्मिंग है, माइनिंग है, और इससे इन्हें इनॉर्मस वेल्थ भी मिला है, करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने उस जमाने में कमा लिए थे। स्पेन अपॉइंटेड गवर्नर्स टू एडमिनिस्टर दीज रीजन्स। द किंग ऑफ स्पेन वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी
An organization called the Council of Indies was established to rule the colonies. This council was in the charge of the Spanish trade in the colonies. यानी Spanish trade का पूरा इंचार्ज इस काउंसिल को बनाया गया था और राजा जो थे वो सुप्रीम अथॉरिटी थे स्पेन के और वही इन कॉलोनीज को रूल कर रहे थे. Essential raw materials were exported out to Spain and the finished goods used to be imported for sale in the local markets of the colonies. The trade of gold and silver acquired from these colonies earned huge profits for the king. यानी सोना चांदी जो यहाँ से इन्होंने प्रोकर किया था निकाला था माइनों में से वो इन्होंने बेचा और इससे करोड़ों रुपए जो हैं उस जमाने में इन्हें ह्यूज प्रॉफिट्स देकर जाते थे. धीरे धीरे कहानियां आगे बढ़ी और इंग्लैंड हॉलैंड एंड फ्रांस आल्सो बिगन टू एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज इन अमेरिका. धीरे धीरे अब अमेरिका में इंग्लैंड फ्रांस और हॉलैंड ने भी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया. During the reign of Elizabeth I, the Queen of England, explorers were encouraged to undertake marine expeditions. एलिजाबेथ वन के दौर में कई एक्सप्लोरर्स को बढ़ावा दिया गया, उन्हें प्रेरणा दी गई, उन्हें मोटिवेट किया गया कि आप नई नई जगहें ढूंढें और जा करके वहां पर एस्टैब्लिश करें कॉलोनीज. एस्टैब्लिशिंग कॉलोनीज वाज द प्राइम इंटेंशन. In 1496, John Cabot was granted permission to establish colonies on the American land. और यहां से ही ब्रिटिशर्स के यानी इंग्लैंड के दबदबे की शुरुआत अमेरिका में हुई. He established the British as the ruling authority in North America. In 1607, the British built Jamestown, a colony on the banks of River James. Later, the same colony was renamed as Virginia. एक-एक करके colonies ये बनाते जा रहे थे. Afterwards, England established its colonies in the coastal region of North America, stretching from New England to Carolina. यानी देखते ही देखते colonies का कारवां बढ़ता गया या अंग्रेजों ने अमेरिका को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था. Along with earning commercial benefit, welfare of the home country was added to the colonial intentions during the reign of Queen Elizabeth. अब धीरे धीरे ये colonial जो पूरे थे जो colonies उनका benefit उनका welfare सब कुछ जो है अब colonial intentions में बदल चुका था और ये जो अंग्रेज थी यही पूरी तरह से इन्हें control कर रहे थे Queen Elizabeth के जमाने में. To suit its colonial interest, England began to impose restrictions on the colonies. अब पूरी तरह से इंग्लैंड ही कंट्रोल कर रहा था कॉलोनीज को और कई रेस्ट्रिक्शंस कई रोक रुकावटें कई टैक्सेस अलग अलग जो कायदे कानून थे वो यहां पर लगाए जा रहे थे. द मैरीटाइम लॉ वाज अ स्टेप इन दिस डायरेक्शन. दिस लॉ ऑथराइज्ड ओनली ब्रिटिश कंपनीज फॉर द सी ट्रांसपोर्ट. यानी ऐसे कानून बना दिए गए कि अब अमेरिका की कॉलोनीज में कोई और आ ही नहीं सकता बिजनेस करने के लिए. पूरा का पूरा सी ट्रांसपोर्ट जो था अपने मैरीटाइम लॉ के जरिए इन्होंने बदल दिया था और सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही अलाउड था ऑथराइज्ड था कि वही आकर यहां पर व्यापार कर सकते हैं. द स्टैंप एक्ट मेड इट ऑब्लिगेटरी टू परचेज स्पेशल स्टैंप्स फॉर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. ब्रिटिश कॉलोनीज इन अमेरिका लाइक वर्जीनिया इसके अलावा मैसाचुसेट्स पुट अप रेजिस्टेंस अगेंस्ट द स्टैंप एक्ट. मतलब कई फ्रीडम फाइटर्स बने कई कॉलोनीज ने आवाज उठाई ऐसी अनजस्ट एक्ट और ऐसे अनजस्ट कानूनों के खिलाफ कि यार ये हम क्यों जबरदस्ती स्टैंप खरीदें जबरदस्ती है कोई. इस तरह से कई आवाजें उठी भी और अदर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द कॉलोनीज के खिलाफ भी आवाजें उठाई गई. ऑन 5 मार्च 1770 सम पीपल वर शॉट डाउन बाय द ब्रिटिश सोल्जर्स इन बॉस्टन अ पोर्ट सिटी इन मैसाचुसेट्स. यहां पर कुछ खून खराबा हुआ और ब्रिटिश सोल्जर्स ने जो थे कुछ क्रांतिकारियों को कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स ने जो है वो मार गिराया उन्हें गोली मार दी. दोस्तों धीरे धीरे ये जो ऑटोक्रेसी थी ये जो हिंसा थी ये जो ब्रिटिश की दादागिरी थी ब्रिटिशर्स की वो बढ़ते जा रही थी. द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड ग्रांटेड मोनोपोली टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंपोर्ट एंड सेल टी टू द कॉलोनीज. यानी कहीं ना कहीं ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको तो पूरा खुली छूट दे दी गई थी. मोनोपोली हो चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय के मामले में. जी हाँ चाय जो कॉलोनीज से इंपोर्ट की जाती थी उसकी पूरी की पूरी जो बागडोर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी गई थी. पीपल इन कॉलोनीज हैड स्टार्टेड डिमांडिंग रिमूवल ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन देम एंड ऑटोनॉमी. कहीं ना कहीं अब लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था और लोग अब पूरी तरह से आज़ादी चाहते थे कहीं ना कहीं वो रेस्ट्रिक्शन से मुक्ति चाहते थे और इसीलिए उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया था. दोस्तों वो रेस्ट्रिक्शंस को हटाने के पक्ष में थे. When the British government refused to yield these demands, the American colonies declared boycott on British goods. जी हाँ यहीं से शुरुआत हुई दोस्तों एक आतंक को खत्म करने के जोश की फ्रीडम फाइटर्स की.
कहीं ना कहीं अमेरिकन ने डिसाइड कर लिया कि अगर हमारी अब मांगे ये लोग नहीं मानने वाले हैं तो हम इनके गुड्स का बॉयकॉट करेंगे, हम डिक्लेयर करते हैं बॉयकॉट और हम कोई भी ब्रिटिश गुड्स यहां से खरीदेंगे नहीं। इन 1773 एज एन एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस द लोकल रेसिडेंट्स ऑफ बॉस्टन डंप्ड द बॉक्सेस कंटेनिंग टी इन द सी बिलोंगिंग टू ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ये एक बड़ी घटना, ये एक बड़ी जबरदस्त घटना जो बॉस्टन नाम की जगह पर देखी गई। लोकल जो अमेरिकन थे उन्हें बड़ा ही गुस्सा था इन अंग्रेजों के खिलाफ और उन्होंने क्या किया, एक जहाज जो खड़ा हुआ था पोर्ट पर उसमें से सारे जो टी बॉक्सेस थे, चाय के जो बड़े बड़े बॉक्सेस थे, उन्हें उठा करके समंदर में फेंकना शुरू किया और बॉयकॉट का ऐलान किया। जी हाँ, दिस इवेंट इज नोन एज द बॉस्टन टी पार्टी। तो बॉस्टन टी पार्टी के नाम से इस फेमस इंसिडेंट को याद किया जाता है। अमेरिकन्स ने जो लड़ाई लड़ी थी उसकी शुरुआत यहीं से हम मान सकते हैं हो गई थी। अ फेडरेशन ऑफ कॉलोनीज नोन एज द कॉन्टिनेंटल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1774। अ मीटिंग ऑफ द कांग्रेस वाज कॉल्ड एट फिलाडेल्फिया। इन दिस मीटिंग नोन एज द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस अ स्ट्रांग अपोजिशन वाज एक्सप्रेस्ड टू द इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। कहीं ना कहीं अब ये लोग एकजुट हो चुके थे, अमेरिकन्स मीटिंग लेकर के ब्रिटिश गुड्स के बॉयकॉट की और इंपोर्ट की पूरी तरह से खारिज कर रहे थे मांग को और कहीं ना कहीं इसे पूरा बंद कर रहे थे। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स। दीज इवेंट्स अल्टीमेटली गेव अ मोमेंटम टू द अमेरिकन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट द यूरोपियन पावर्स। यहां से ही एक नए जोश की, एक नए जुनून की, अमेरिका की आजादी मूवमेंट की शुरुआत हुई। 13 कॉलोनीज इन अमेरिका केम टूगेदर and declared independence from Great Britain on 4th July 1776 in the meeting known as the Second Continental Congress. A document known as the Declaration of Independence was adopted. जी हाँ, ये जो document था independence का, आजादी का, इन्होंने आजादी की घोषणा कर दी। ये आजादी का draft जो था ये लिखा था Sir Thomas Jefferson ने। जी हाँ, the crucial point of document announced that the 13 American colonies were independent sovereign states. अब इन्हें आजाद घोषित करते हैं हम और हम किन्हीं अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहेंगे, हम इनके जो है कहे को नहीं मानेंगे, इनके लॉ को, इनके कानूनों को नहीं मानेंगे, हम आजाद हैं, आजाद रहने का हमें हक है। लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस इज अवर राइट। इट हैज एंड इट वॉज स्टेटेड दैट दीज थ्री आर द नेचुरल राइट्स ऑफ ऑल ह्यूमंस व्हिच नोबडी कैन डिप्राइव ऑफ। इस तरह से अमेरिका ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी। दोस्तों, आजादी के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट कुछ समय तक चलता रहा। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कॉलोनीज एंड द ब्रिटिश आर्मी कंटिन्यूड फॉर सम टाइम रिजल्टिंग इन टू सेवरल बैटल्स आफ्टर द कॉलोनीज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। फाइनली एट सारातोगा द कॉलोनीज गॉट अ डिसाइसिव विक्ट्री ओवर द ब्रिटिश आर्मी। इस तरह से जब बार बार ब्रिटिशर्स को पटखनी खानी पड़ी, मुंह की खानी पड़ी और अमेरिकन्स जीतते गए, तो इस तरह से अंग्रेजी हुकूमत का जो है अमेरिका से अंत हुआ। दिस विक्ट्री प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर द कॉलोनीज एज द फ्रेंच अग्रीड टू सपोर्ट देम इन देयर कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। इवेंचुअली द इन 1779 स्पेन ऑल्सो ज्वाइन द कॉलोनीज इन द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। On 7th October 1780, George Washington defeated the British Army, और इस तरह से अब पूरी तरह से आजादी मिल चुकी थी, George Washington आ चुके थे। On 19th October, the British General Lord Cornwallis surrendered and America became independent. जी हाँ, सरेंडर जैसे ही ब्रिटिशर्स ने किया उसके बाद तुरंत ही जो है आजादी मिल चुकी थी। The American Revolt for Independence is known as the American Revolution. It was a war tantamount to two Americans fighting one's own king to get back their independence. Americans proved to the world that the subjects have right to fight the rulers who deny them their natural rights. यानी अमेरिका ने ये प्रूव कर दिया दुनिया भर के सामने कि जो हमारे शासक हैं वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो हमारे हक हमें नहीं दे रहे हैं तो उनके खिलाफ लड़ना हमारा हक है और हम जरूर लड़कर जीत सकते हैं। It is said that state without a king is a phenomenon which is a gift to the world from America. तो इस प्रकार से अमेरिका की ये कहानी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। ऐसे ही कई अलग अलग कंट्रीज ने आजादी जो है हासिल की। कैनेडा कंट्री एडजेसेंट टू अमेरिका वॉज एक्वायर्ड बाई द ब्रिटिश बाय द पेरिस ट्रीटी इन 1763। लेटर द ब्रिटिश अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ फेडरल स्टेट टू कैनेडा एंड एस्टैब्लिश्ड बाइकैमरल पार्लियामेंट। दे हैड ऑल्सो अपॉइंटेड अ गवर्नर जनरल इन कैनेडा। तो इस प्रकार से अमेरिका की कहानी यहाँ पर मैंने आपको समझाई। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिटेल में समझ में आ गया होगा किस तरह से इन 13 कॉलोनीज ने आजादी हासिल की है और आज ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट बने हैं।
अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नई कहानियों के साथ, और आप जरूर लिख करके आंसर्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।